हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी TSSC हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले चैप्टर को हम डिस्कस कर दिए हैं। दोस्तों, आज हम लोग विराम चिन्ह चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, तो टाइम ने बेस्ट करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयुक्त हुए। ठीक, बताना है किसमें उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो इसमें किसमें हुए हैं दोस्तों, आपको इसको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इसमें सी में हुआ है, मैंने पूछा क्या बात है। देखिए, यही इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ। इसमें देखिए, पहले में क्या दिक्कत है, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। अब देखिए, प्रश्नवाचक क्या यहाँ कह दिया, तो यहाँ लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, तो अजी यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो अर्धविराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम इसको बोलते हैं, ये नहीं लगा होना चाहिए। उफ कितनी गर्मी है, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इसके बारे में देख लीजिए, मैंने पूछा क्या बात है में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शेष वाक्य विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, जिनके शुद्ध रूप इस प्रकार है, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, अजी क्या ऐसा हो पाएगा, उफ कितनी गर्मी है, इसका शुद्ध रूप है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वहाँ तुम आ गए, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। वाह तुम आ गए, तो इसके इसमें क्या लगेगा, देखिए वहाँ पर वाह के बाद क्या लगेगा दोस्तों, ऐसा चिन्ह लगेगा, इसको बोलते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसमें, विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह। देखिए, आना जाने के बीच में ऐसा चिन्ह होना चाहिए, एक आना जाने के बीच में ऐसे एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे माता पिता लिखना है, ठीक है, जैसे माता और पिता लिखना है, तो इनके बीच में ऐसा चिन्ह आता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। इसी तरह आना जाना में क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी प्रीवियस है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ रहा है नहीं हुआ है, और पहले वाले क्वेश्चन में किसमें हुआ था, ये बात एग्जाम में बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, किसमें है किसमें नहीं है। तो दोस्तों, किसमें नहीं है, इसमें सी वाले ऑप्शन में, राम राम उसने या उसने यह क्या कर दिया। ठीक है, ये वाला क्या है, गलत है, राम राम उसने यह क्या कर दिया, यही इसमें क्या चिन्हों का प्रयोग गलत है, बाकी सब में सही है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में भी यही लिखा है कि राम राम उसने यह क्या कर दिया, वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, शेष वाक्यों में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। कह रहे विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना, इसमें कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, कौन सा शुद्ध वाक्य है, ए वाला, डी वाला। ठीक है, वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, यही क्या है, अशुद्ध है। ये क्यों अशुद्ध है, यहाँ देखिए जो ई वाला है कि वह तुम्हारे क्या कहने। ठीक है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर एक विस्मयाद बोधक चिन्ह होना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में यहाँ लिखा है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, वाह तुम्हारे क्या कहने, देखिए यहाँ पर कौन कहने के बाद क्या लगाया है, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाया है, ऐसे लिखने पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ऐसे होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह अल्प विराम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये रिक्त स्थान पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, इसमें आएगा अर्धविराम। देखिए क्या आएगा, अर्धविराम आएगा, अल्प विराम नहीं, ध्यान दीजिए, ऐसे जब बना रहेगा, इसके ऊपर एक बिंदी रहती है, इसको बोलते हैं अर्धविराम, और अगर ए वाला साइन को क्या बोलते हैं, अल्प विराम, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, अर्धविराम आएगा। तो सातवें कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन,
अब चिन्ह से डायरेक्ट पूछा है कि लीन दीन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनके बीच ऐसे एक लाइन होगा, एक ऐसे लाइन होगा इस ए वाला, ठीक है, जिसको हम सब कौन सा बोलते चिन्ह बोलते हैं योजक। तो इनके बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, देखिए जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं उनके बीच हमेशा योजक चिन्ह लगता है। क्या लगता है, योजक चिन्ह। जैसे देखिए रात हो गया और ये दिन हो गया, तो रात दिन एक दूसरे के विपरीत हैं, इनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है समासिक पदों पुनरुक्ति युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। देखिए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी मध्य कह देगा तो मध्य में हमेशा योजक चिन्ह लगता है। मध्य में हमेशा कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह ही लगता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बताना है दोस्तों, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, किस चिन्ह का, विवरण का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय के बाद होता है। जैसे विषय लिखना है उसके बाद ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे के अनुसार, जैसे राम के अनुसार लिखना है तो ऐसे हम लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इकहारा उद्धरण। इकहारा उद्धरण मतलब ऐसे वाला, ठीक है, एक ऐसे वाला ऐसे लगा दोगे तो ये दोहरा उद्धरण उद्धरण हो जाता है। ठीक है, तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इकहारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो जब ऐसे सिंगल आप बनाएंगे तो इसको बोलते हैं इकहारा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो बहुत आसान है, प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन ए होता है। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। देखिए माता पिता के बीच, अब बीच आ गया ना, तो माता पिता के बीच कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, उक्त वार्ता लाभ में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो देखिए उसने मुझसे कहा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए। तो कौन सा चिन्ह होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए था। ठीक है, यही इसकी कमी है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो मुझे बाहर जाना है, तो ये देखिए जो ये वाला ना लगा है इसके नीचे डैश है, ठीक है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। अल्प विराम तो जान ही रहे हो दोस्तों, क्या होता है, ऐसे होता है, अल्प विराम होता है। आप प्रश्नवाचक तो जान ही रहे हो, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए लाघव चिन्ह भी ऐसे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, अगला क्वेश्चन नंबर है 17 देख लीजिए दोस्तों, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, जब भी शब्द के नीचे खींचा जाएगा तो उसको अधोरेखा कहा, अधो मतलब होता ही नीचे, ठीक है, अधोरेखा कहा, तो उसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह। तो 17 कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अब देखिए 18 में बहुत आसान पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा, ये तो बी वाला हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछते हैं दोस्तों, कुछ थोड़ा सा घुमा देते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह हो सकता है।
कौन सा हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। कह रहा है संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच, जब बीच आएगा तो बताएं दोस्तों कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है। बीच में हमेशा कौन सा लगता है, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, अगला है बहुत आसान कि निर्देशक चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इसमें निर्देशक चिन्ह, तो ये जान रहे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ये अल्प विराम होता है, ये पूर्ण विराम होता है, तो कौन सा जो बचा वही क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। तो बीसवें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बीस का डी हो जाएगा। ठीक है, बीस का कौन सा हो जाएगा, डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 से पहले देखिए कुछ क्वेश्चन चिन्ह दिया है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको फुल ए है, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको अल्प विराम बोलते हैं, एक ऐसे लगा रहेगा इस पर बिंदी तो इसको अर्ध विराम बोलेंगे, बीच वाले को योजक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादबोधक चिन्ह, ये इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, ये लाघव होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, ये विवरण चिन्ह होता है, इन सबको कोष्टक कहते हैं, इनको हंस पद या त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इस तरह चिन्ह हो गए। उसके बाद देखिए अगला पूछा अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह कौन है, बी वाला, ये अल्प विराम है, ये क्या है, अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादबोधक चिन्ह है, तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कौन है दोस्तों, ए है। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है, ए है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स 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 रेखांकित चिन्ह, देखिए ऐसे ऐसे रेखा रहेगा, मतलब रिक्त स्थान वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें भरना होता है, तो पूछता है इसको कौन सा बोलते हैं, इसको जो ये बना है कि एक्स एक्स तीन बार रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो ये कौन सा रेखांकित चिन्ह होता है दोस्तों, ये लोप सूचक होता है। कौन सा होता है, इसको लोप सूचक होता है। ठीक है, तो इसका 23 का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, देखिए फिर वही चीज़ आ गया कि इनके बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो विराम किसका हो जाएगा दोस्तों, योजक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जब भी बीच में कह देगा तो कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न से कौन सा चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो देखिए दोस्तों निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव भी चिन्ह होता है, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं होता, उपदेशक किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 के बाद 26। 26 है किस विराम चिन्ह का, ए वाला बताना है, ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है। ठीक है, तो किसका द्योतक है दोस्तों, इसको हम कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, 26 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या, यानी इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर बिंदी नहीं लगा होता तो अल्प विराम हो जाता है, लेकिन इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। तो 27 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ, आपको बताना है किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ, तो दोस्तों किस में नहीं हुआ है, सी वाले में। सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, अब जो सुनो सुनो ये विस्मयात बोधक शब्द है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। ठीक है, सुनो सुनो ऐसे अल्प विराम चिन्ह होना चाहिए, ना कि विस्मयात बोधक, क्योंकि सुनो सुनो ये विस्मयात बोधक शब्द होते ही नहीं। ठीक है, देखिए सुनो सुनो वह गा रही है, ये विस्मयात बोधक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, ठीक है, वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट है, अंतिम है ना, तो इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये बताना है कि ये जो बराबर चिन्ह है, ठीक है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, जहाँ तुल्यता सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, जहाँ तुल्यता सूचक शब्द होते हैं, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, ये तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये पहला चैप्टर वर्णमाला आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वर्णमाला से एक से दो क्वेश्चन फिक्स होता है किसी भी एग्जाम में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।